गारंटी है एक बार नहीं बार बार बनाकर खाने पर मजबूर हो जाएंगे आपकी पूरी फैमिली फ़ैन हो जाएगी इस रेसिपी की बहुत ही उमदा और एकदम नई रेसिपी लाई हूँ अगर आपने आज से पहले ये रेसिपी नहीं बनाई है तो ज़रूर बनाएं आज हमने बनाई है फूल गोभी की कबाब कढ़ाई जी जनाब तो वालेकुम दोस्तों आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक बेहद मज़ेदार जायकेदार रेसिपी इस रेसिपी को देखने के बाद यकीन से कह सकती हूँ आपका फौरन दिल करेगा कि आप फौरन से ये बनाकर खा लें तो जो लोग फूल गोभी खाना पसंद नहीं करते हैं अब वो भी मज़े ले लेकर खाएंगे और आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी की तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरह से हमने ये रेसिपी तैयार की है इसके लिए सबसे पहले जो हमें चाहिए वो है फूल गोभी आधा किलो मैंने फूल गोभी ली है और इसको अच्छी तरह सबसे पहले वॉश किया और मैंने इस तरह से छोटा छोटा इसे काट लिया है आप चाहें तो आप इसे ग्रेट करके भी ले सकते हैं लेकिन मैं इसे मिक्सी के जार में डालकर बारीक चॉप करूँगी तो अगर आपके पास इस तरह का मिक्सी का जार नहीं है पीसने के लिए तो आप इसे नॉर्मली जैसे ग्रेटर हर घर में मौजूद होता है तो आप उसे ग्रेट करके ले सकते हैं तो चलिए हम बाकी चीज़ें देख लेते हैं इसके साथ में हम क्या चीज़ें डालने वाले हैं तो सबसे पहले हमने मिक्सी के जार में ये गोभी डाल देनी है मैंने इसे छोटे छोटे पीसीज में काट कर इसी लिए लिया है और मैंने इसे पहले वॉश किया है उसके बाद इसकी कटिंग की है तीन हरी मिर्चें डाल दी हैं प्याज थोड़ी सी डाल देंगे और लहसुन मैंने डाल दिया है यहाँ पर बारह से पंद्रह लहसुन के चवे हैं अदरक एक इंच का टुकड़ा आधा चम्मच साबुत जीरा नमक हसब जगूगत तो बस ये चीज़ें इसमें चली गई तो अब हमने इसको पल्स मोड पर रोकते हुए चलाना है और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है तो चलिए मैं इसे पीस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ तो यहाँ देखिए मैंने इसे पीस लिया है बिल्कुल इसी फॉर्म में आया जैसे हम ग्रेट करके लेते हैं एकदम बारीक ये देखिए तो बस इस तरह से आपने इन सब चीज़ों को पीस लेना है तो अब इसी मिक्सी के जाए में हम बाकी का मसाला भी तैयार कर लेते हैं तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ तो ग्रेवी बनाने के लिए यहाँ पर इसमें हम प्याज़ लेंगे एक बड़े साइज़ की प्याज़ ली है दो हरी मिर्चें हैं लहसन के बारह से पंद्रह जवे हैं और अदरक का एक इंच का टुकड़ा है तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें डालेंगे और इसे भी हम पीस लेते हैं तो यहाँ पर देखिए मैंने इन सब चीज़ों को पीस लिया है तो ये पेस्ट बन के तैयार हो चुका है तो इसे हम साइड में रख देते हैं तो यहाँ हम देख लेते हैं तो अब हम इसमें डालेंगे आधी गड्डी हरा धनिया फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया मैंने डाल दिया है इसमें इसका फ़्लेवर बहुत ही अच्छा लगता है मसालों में डालेंगे सबसे पहले यहाँ पर धनिया पाउडर एक चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच और अब इसमें हम डालेंगे अपना किचन क्वीन मसाला तो इसकी रेसिपी मैंने अपने दूसरे चैनल पर अपलोड की थी अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे दूसरे चैनल सोनिया खान रेमेडीज़ पर जाके देख सकते हैं तो ये इस रेसिपी को लगा देगा चार चांद बहुत ही खुशबूदार बहुत ही ऐकेद दागी मसाला है तो ये मैंने सिर्फ़ आधा चम्मच इस्तेमाल किया है बाकी मसाला हम इसकी ग्रेवी में इस्तेमाल करेंगे अब इसमें बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पर बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ सिर्फ दो चम्मच दो चम्मच बेसन के डालेंगे और अब हमने हाथों की मदद से अच्छी तरह से तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है तो चलिए मैं मिला लेती हूँ सब चीज़ों को तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिला लिया है अब इसको हम चेक कर लेंगे कि इसमें बाइंडिंग बन गई है या नहीं ये देखिए तो या इज़िली बाइंडिंग बन गई है तो अगर आपको लगे कि नहीं बन गई है तो आप इसमें एक चम्मच और मज़ीद बेसन का मिला सकते हैं तो चलिए अब हम इसके कबाब बना लेते हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ ये देखिए इस तरह से ना अपने हाथों पर पानी लगाना है ना घी लगाना है बिना ऑयल के आप इसको डायरेक्ट आसानी से ऐसे ही बना सकते हैं ये चिपकते नहीं हैं तो ये देख लिया आसानी से ये बन जाते हैं इस तरीके से एक और कबाब मैं आपको बना के दिखा देती हूँ तो बहुत बड़े बड़े साइज़ के नहीं बनाने कबाब आपने बस मीडियम साइज़ के कबाब बनाने ये देखिए इस तरह से आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको कोफ़्तों की शेप भी दे सकते हैं कोफ्ते भी आप बना सकते हैं तो यहाँ पर देखिए आधा किलो फूल गोभी से इतने सारे कबाब बन के तैयार हो चुके हैं तो चलिए सबसे पहले कबाब को फ्राई कर लेते हैं तो यहाँ पर ऑयल हमारा गरम हो चुका है तो इसमें हम कबाब डालेंगे तो मीडियम गरम ऑयल मैंने यहाँ पर लिया है बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं है वरना फ़ौरन से कलर आ जाएगा और जो कबाब हैं वो अंदर से कच्चे रह जाएंगे तो तीन मिनट तक एक साइड से पका लेंगे उसके बाद इसकी साइड चेंज कर देंगे तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है तो इसी तरह से पलटते हुए इनको दोनों साइड से अच्छा सा कलर आने तक फ्राई कर लेते हैं तो टोटल इनको फ्राई करने में छः से सात मिनट लगते हैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है तो ये देखिए बहुत ही ख़ूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है तो मैंने निकाल लिया और बाकी कबाब भी बिल्कुल इसी तरह से फ्राई कर लिए हैं तो बस ये बनके तैयार हो चुके हैं तो चलिए अब हम इसके लिए मसाला तैयार कर लेते हैं जो बचा हुआ ऑयल है ये वही ऑयल है तो इसमें हम डाल देंगे जो हमने प्याज़ हरी मिर्च लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर रखा था तो वो इसमें डाल देंगे और अब इसे अच्छी तरह से फ़्राई करेंगे जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता है चार से पाँच मिनट तक अच्छी तरह से फ़्राई कर लेते हैं तो प्याज़ को अच्छे से ही फ्राई कीजिएगा यहाँ देखिए इसका कलर सुनहरा होना शुरू हो चुका है तो इस पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि मैंने पेस्ट बना कर लिए हैं अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद हम इसमें ड्राई मसाले डालेंगे तो सबसे पहले मैं इसमें नमक डाल गई हूँ आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच इससे कलर खूबसूरत आता है अगर है तो डालें वरना स्किप कर सकते हैं पिसी हुई लाल मिर्च का पाउडर आधा चम्मच या फिर अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं कम या ज़्यादा हल्दी पाउडर आधा चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा आधा चम्मच तो ये तमाम मसाले इसमें चले गए अब अच्छी तरह से मिला लेते हैं तो अब मसालों को अच्छी तरह से पकाएंगे इतनी देर तक जब तक मसालों का कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता है और जो ऑयल है वो इसका अलग से सेपरेट नहीं हो जाता है दो से तीन मिनट तक अच्छी तरह भून लेना है मसाले को तो यहाँ पर देखिए मसाला हमारा भून चुका है तो इसमें हम फ्लेवर बढ़ाने के लिए डालेंगे कसूरी मेथी यानी कि ड्राई मेथी मैंने इसमें डाल दी है एक चम्मच अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लेंगे तो यहाँ देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से कुक हो चुका है अब हम इसमें इतना पानी डालेंगे कि जितना आपको इसमें शोरबा चाहिए उसी हिसाब से आप डाल सकते हैं तो हम कबाब कढ़ाई बना रहे हैं तो हम इसको थोड़ा सा थिक रखेंगे अगर बहुत पतला शोरबा बना देंगे तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा एक गिलास मैंने पानी डाल दिया इसमें ये देखिए आप इसकी थिकनेस देखें बिल्कुल इस तरह की है जैसे हम कोरमा बनाते हैं उसमें होती है अब हम इसमें डाल देंगे किचन क्विन मसाला आधा चम्मच ये इसमें चला गया अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो यहाँ देखिए इसमें बॉइल आ चुका है तो बस अब हम इसमें कबाब डालेंगे तो एक एक करके इस तरह से सागे कबाब इसमें डाल देंगे और कबाब डालने के बाद बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाइएगा वरना कबाब टूट सकते हैं तो इसे मिक्स करेंगे और हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे तो चलिए कवर कर देते हैं और बिल्कुल हल्की आंच पर इसे 10 मिनट के लिए पका लेते हैं 10 मिनट हो चुके हैं तो चलिए देख लेते हैं ये देखिए कितना ख़ूबसूरत कलर आया है इसका ऊपर से हरा धनिया गार्निश कर देंगे दिखाती हूँ मैं आपको ये देखिए बहुत ही लजीज़ और बहुत ही मज़ेदार सुपर टेस्टी तो चलिए गैस का फ्लेम बंद करते हैं और इसे डिश आउट कर लेते हैं तो बस अब आप लोग भी इस तरीके से ये रेसिपी बनाकर ट्राई करें और आप इसे गर्मा गर्म नान चपाती पराठों या चावल के साथ खा सकते हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और जब आप इसे ट्राई करें तो अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है आज की ये रेसिपी आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा चैनल पर नए हैं अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए मिलते हैं इन ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़